मोदी सरकार एक एक करके अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक हटा रही है। कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। अब पोर्ट ब्लेयर की पहचान श्री विजयापुरम के नाम से होगी। पोर्ट ब्लेयर का नाम 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्ची बाल्ड ब्लेयर के सम्मान में रखा गया था, जिसे अब बदलकर श्री विजयापुरम किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा, देश को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करने के लिए आज हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम करने का निर्णय लिया है। पहले के नाम में औपनिवेशिक विरासत थी। श्री विजयापुरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और उसमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। शाह ने लिखा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अद्वितीय स्थान है। वह द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था, आज हमारी रणनीतिक और विकास आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनने के लिए तैयार है। गृहमंत्री ने आगे लिखा, यह वह स्थान भी है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे तिरंगे को पहली बार फहराया था। वह सेलुलर जेल भी है जहाँ वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह दक्षिण अंडमान जिले में आता है। यहाँ जाने के लिए भारतीयों को तो किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होती। विदेशियों और NRI को यहाँ पहुँचने पर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है। ये परमिट 30 दिन के लिए वैलिड होता है। समुद्री मार्ग से विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर पहुंचने में 56 घंटे, चेन्नई से 60 घंटे और कोलकाता से 66 घंटे लगते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद से डायरेक्ट फ्लाइट भी है। बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 द्वीपों का नामकरण किया था। बीते साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के मौके पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया था। जिन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नाम रखा गया है, उनमें कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन GS सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुरजोरजी तारापुर, लांस नायक अल्बर्ट एका, मेजर होशियार सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सिंह शेखू, मेजर परमेश्वरम, नायब सूबेदार बना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के नाम शामिल हैं।